आ चुके हैं। आपको मैंने जैसे गेट दिखाया, हम लोग एसएलवर्ड से अभी टिकट लेके अंदर जा रहे हैं। आप देख सकते हो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा ब्लॉग। आपको शुरुआत से एंड तक पूरा दिखाएंगे, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होने वाली है, आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और हाँ, अपना मोबाइल का ब्राइटनेस बढ़ा लीजिए तो आप पूरी तरह से इसका मजा ले पाएंगे। हैं हम बोरीवली जा रहे हैं, बोरीवली से हम गोराई जट्टी जाएंगे, गोराई जट्टी से हम बोट लेके एसएलवर्ल्ड जाएंगे। तो दोस्तों बने रहिए, आज बहुत मस्ती होने वाला है। हम बोरीवली पहुंच चुके हैं, चलिए देखते हैं। चलो अब बहुत हुई गुस्ताखी, मान भी जाओ मेरे राजा जी। चलो आज करे हवा की सवारी, यहाँ देखो तुम्हें गाड़ी है बुला रही। चलाओ ये गाड़ी, मारो ठोकर भारी, हमसे हो नाराज क्यों मेरे भाई। सपनों की नगरी में तुम्हें आया, चलो इस नगरी की सैर कर आए। ये थंडर, ये रेनबो, ये डैशिंग कार, ये स्केटिंग जोन, ये एक्वा ड्राइव, करे सबको ड्राइव। पहुंच गए हैं, अभी हम लोग बोट की तरफ जा रहे हैं। अभी हम बोट से एसएलवर्ल्ड जाएंगे, जो कि करीबन 12 से 15 मिनट लगता है। यहाँ पे 50 रुपीस रिटर्न टिकट लिखता है, हमने वो लिया। अभी हम बोट में जाएंगे। दोस्तों मोबाइल का ब्राइटनेस ज़्यादा रखिए, नहीं तो नाइट का आपको सब चीज़ें नहीं देख पाएंगे। टिकट दे दिया हमने, हम बोट पे हैं। बोट में एकदम लाइट नहीं है। हम बोट से उतर गए, अभी हम टिकट लेंगे। टिकट लेके हम अंदर जाएंगे। ये टिकट काउंटर का एरिया है, जहाँ पे एसएलवर्ल्ड के कैरेक्टर्स के सब लगे हुए हैं, फाउंटेन। एसएलवर्ल्ड वाटर किंगडम दोनों का गेट यहाँ से दिखेगा आपको। लेफ्ट साइड में टिकट काउंटर है, जहाँ से हम टिकट लेके अंदर चलेंगे। हेलो दोस्तों, हम लोग एसएलवर्ल्ड आ चुके हैं। आपको मैंने जैसे गेट दिखाया, हम लोग एसएलवर्ल्ड से अभी टिकट लेके अंदर जा रहे हैं। आप देख सकते हो आज रात को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ब्लास्ट होने वाला है, जैसे 31st नाइट। हम लोग आपको हर एक चीज़ पूरी बारीकी से दिखाएंगे, पूरे एंजॉय करने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। नाइट का विजन है तो थोड़ा लो लाइट की वजह से आपको शायद से वीडियो थोड़ा सा डार्क दिखेगा, बट आपको आगे डीजे और बाकी सब चीज़ों के जो इवेंट्स हैं हम लोग आपको दिखाएंगे, आप देखते रहिए। हम लोग अभी हम लोग पहले राइड देखेंगे, जो कॉम्बैट राइड है। लोग अंदर जा रहे हैं, इसमें छोटे छोटे कार्स बने हुए हैं जो राउंड घूमते घूमते अचानक से हवा में पहुंच जाता है। काफी स्केरी है, इतने स्पीड से घूमता है।
देखिए दोस्तों, चलिए इस राइड के साथ हम लोग आगे जाते हैं। यहाँ पे कुछ डेकोरेशंस किए हुए हैं, डेकोरेशन के बाद हम लोग फ्री फॉल में जाएंगे। फ्री फॉल अब देखेंगे। काउंटडाउन चालू है। 7 6 5 4 3 2 1 ऊपर जाएगी। 3 2 1 काफी स्केरी है। चलिए इसके साथ ही हम लोग आगे इवेंट में जाते हैं, जहाँ पे डांस हो रहा है, डीजे चालू है, वहाँ पे जाके देखते हैं। राइड है एसएल वर्ल्ड के अंदर, जैसे टॉप स्पिन कहते हैं, कुछ ज्यादा ही हॉरेबल है। अब देखेंगे, आप देखिए और एंजॉय कीजिए। उसके आगे हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, जहाँ पे आप पे करके खाना खा सकते हैं। जैसे कि टिकट के अंदर आपका फूड इंक्लूडेड नहीं रहता है, उसमें सिर्फ एंट्री पास होता है। वो यहाँ पे आपको पे करके आपको जो भी फूड है वो ऑर्डर करके खाना पड़ेगा। हम इसके बाद और काफ़ी सारे राइड दिखाएंगे। उसके बाद अभी हम लोग सीधा जा रहे हैं जहाँ पे 31st नाइट का इवेंट चल रहा है, वहाँ पे जाएंगे। डीजे प्यू है वहाँ पे।
चलिए उस कॉन्सर्ट में जाते हैं और थोड़ा म्यूजिक एंजॉय करते हैं।
DJ Sony. म्यूजिकल इवेंट के बाद डांस फ्लोर छोड़ के हम लोग आगे राइड्स की तरफ आ रहे हैं। ये एक और राइड है जिसे कप्स और सॉसर कहते हैं, जो गोल 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 घूमता है। आप देखेंगे इस पे लोग बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, मैं आपको पूरा एसएल वर्ल्ड का क्या खर्चा आता है, फूड का कितना खर्चा आता है, ड्रिंक्स का क्या कॉस्ट आता है, रेगुलर डे में आप आएंगे तो आपको कितने का टिकट लेना पड़ेगा, वाटर किंगडम और एसएल वर्ल्ड दोनों का सेम टिकट आता है या नहीं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। आप वीडियो को देखते रहिए।
पूजा सर, हम लोग वाटर किंगडम आए, वाटर किंगडम आसल वर्ड। सो आज 31st नाइट के लिए, 31st नाइट बिगनिंग। सो हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक्सेल वर्ड, सेकेंड एक्सेल वर्ड और वाटर किंगडम। सो गाइस हैव अ गुड बाय। दोस्तों देखिए ये वाटर किंगडम का माहौल है, यहाँ पे भी अच्छा खासा भीड़ है, काफ़ी सारे लोग हैं जो 31st नाइट एंजॉय कर रहे हैं। आपको सामने घड़ी दिखेगा जो आपको समय 2:54 बता रहा है, मतलब 3 बजने में करीबन 6 मिनट बाकी है। हम और 1 घंटा यहाँ पे रुकेंगे, 4 बजे के करीबन हम यहाँ से निकल जाएंगे। चलिए हम आपको वाटर किंगडम थोड़ा दिखाते हैं कि रात को वाटर किंगडम कैसे दिखता है। दिन में तो आपने कई बार देखा रहेगा। दोस्त देखो ठंडी के लिए यहाँ पे लोगों ने बॉनफायर लगाया हुआ है, लोग आग का मजा ले रहे हैं जिन्होंने लाया। दोस्तों ये वाटर किंगडम का मैप है, आप अगर वाटर किंगडम आते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे इधर कितने सारे फैसिलिटी सर्विसेज, यहाँ पे राइड्स, फैमिली राइड्स, बच्चों के राइड्स, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको आप एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों वाटर किंगडम भी काफ़ी खूबसूरत जगह है, आप आए तो वाटर किंगडम एसल वर्ल्ड दोनों करें, कंबाइन पासेस मिलते हैं, आप कंबाइन पासेस ले, आप एक ही दिन में दोनों कर सकते हैं, आधा दिन वाटर किंगडम आधा दिन एसएल वर्ल्ड। एसएल वर्ल्ड में काफ़ी सारे राइड्स हैं, वाटर किंगडम में सब आपको पानी के राइड्स मिलेंगे। मैं आपको एसएल वर्ल्ड दिखाया, रात के 3 बज रहे हैं, हम लोग अभी वाटर किंगडम में आए हैं। यहाँ पे लोग आप देखेंगे नहा रहे हैं वेव पूल में, उनकी हिम्मत की दाव देनी पड़ेगी, काफी ठंडी है। तो दोस्तों हम 31st नाइट में यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ पे हमारा कंबाइन पास है एसएल वर्ल्ड और वाटर किंगडम का। हमने एसएल वर्ल्ड तो एंजॉय किया बट वाटर किंगडम अनफॉर्चुनेटली एंजॉय नहीं कर पाए क्योंकि इतनी ठंडी है, इसके अंदर हम लोग पानी शायद से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। राइड्स बंद है, वेव पूल स्टार्ट है, स्विमिंग पूल स्टार्ट है, तो बस हमें हिम्मत नहीं है कि हम पानी में जा सके। बट हाँ 31st नाइट बहुत ही धमाकेदार रहा, बहुत ही हमने एंजॉय किया, अपने सारे इवेंट्स देखे, अपने सारे प्रोग्राम्स देखे। तो दोस्तों और इसके आगे हम लोग अभी निकलेंगे, उस टाइम आपको दिखाते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं, तो हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से कुछ चीज़ें बनी हुई है, जो हाथी और हाथी है। दोस्तों हम वाटर किंगडम से बाहर जा रहे हैं वापस एसएल वर्ल्ड की तरफ। यहाँ पे आप देखेंगे ये स्टेज था जहाँ पे डीजे अल्ताफ का प्रोग्राम था, ख़त्म हो चुका है। वापस से आपको वाटर किंगडम का मैप दिखेगा, तो वाटर किंगडम में फर्स्ट एड बॉक्स है, छोटा सा हॉस्पिटल जैसा है जहाँ पे कुछ एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके लिए लोग ट्रीट करते हैं। ये ऊपर आपको घड़ी दिख रहा है, 3:02 हो रहा है। यहाँ पे कुछ 3D आर्ट्स बने हुए हैं जिसमें लोग अपने फोटोज क्लिक करते हैं। यहाँ पे अंदर ही आइसक्रीम पार्लर है, काफी सारे राइड्स हैं, काफी सारे पूल्स हैं, बच्चों के लिए बड़ों के लिए सब कुछ है अवेलेबल है। यहाँ पे खाना यहाँ पे टिकट के साथ नहीं आता है, टिकट में सिर्फ एंट्री फी आती है, एंट्री फी होता है टिकट में, खाना आपको यहाँ से पे करके खरीदना रहता है जो आपको थाली के हिसाब से। और काफ़ी सारे स्नैक्स, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, आप ड्रिंक्स यहाँ पे ले सकते हो, वोडका, विस्की,
बियर ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, बट कीमत थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। जा रहे हैं, इसी के साथ वीडियो को हम लोग यहाँ पे समाप्त करेंगे। आपको हमने SL वर्ल्ड वाटर किंगडम दोनों दिखाए, उसके अंदर के सारे राइड्स, इवेंट्स और 31st का सेलिब्रेशन भी दिखाया। आपको ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।